Assalamualaikum, Namaste, Sasrikaal, Kem Choka Sakai, Keman Acho, Ram Ram guys. Welcome back to another amazing day, amazing vlog guys. So, abhi baj rahe hain subah ke, nahin, din ke 3. Aur hamari abhi subah hui hai, kyunki obviously night hamari bahut late hui thi, 5-5 baje hui thi. Phir abhi fresh hoke, we are all set. अभी कृतिका भी अपने होटल से आने वाली है एंड उसकी फ़्लाइट है कुछ 6:30 बजे की बता रही थी, तो वो भी निकलने वाली है. एंड आज मुझे और रेगा को निकलना है कहीं बाहर एज इन मतलब मुंबई में ही, नवी मुंबई में. क्योंकि सीन कुछ ऐसा था कि मैंने और रेगा ने ये प्लान किया है कि जब गोल्डी भाई का बर्थडे था तो गोल्डी भाई ने मेरे से और रेगा से जो है आईफोन मांगा था. तब 13 प्रो मैक्स रिलीज़ होने वाला था, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग दे नहीं पाए थे. तो अब हमने सोचा है कि क्योंकि BGMI आ रहा है एंड गोल्डी भाई के पास है नहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स, और वो उनको भी स्ट्रीम करना होगा, खेलना होगा, तो क्यों ना उनको दे दिया जाए. कल जब होटल का बर्थडे था तब हम लोगों को याद आया. सो प्लान कुछ ऐसा है कि अभी कृतिका को हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे, वो यहाँ पे आएगी और कुछ खाएगी और फिर उसके बाद निकलेगी एंड देन फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे. आप सही फील कर रहे हैं? एकदम सही फील कर रहा हूँ. बस मैं तो एकदम सही फील कर रहा हूँ, एकदम सही फील कर रहा हूँ. ये सही हो गया तेरा? वैसे यहाँ पे गोवा में जो है अमन को ये सब ऐसे ऐसे वो दब दाग पता नहीं क्या दाने वाने निकल गए. चल रहा है ट्रीटमेंट? चल रहा है? कुछ सीरियस तो नहीं है? सीरियस नहीं है. बस फिर ठीक है. तो बस दैट्स इट, अभी चलेंगे नाश्ता करने के लिए एंड देन फिर उसके बाद CFT चालू होगी एंड देन फिर हम निकलेंगे. आज क्या प्लान है? आज स्ट्रीम होगी, देखूंगी. नींद आ रही है मेरे को अभी से ही. तो गाड़ी में सो जाना, फ्लाइट में सो जाना यार, वो वाली नींद होती नहीं है, आपको पता है. हाँ ये भी बात है यार. कल कैसी नाइट थी, एंजॉय करा? वो डांस क्या आता नहीं, फिर भी इतना नाचा है ना बॉटल और मैंने. ये भी बने हुए थे कल का. तेरे को कुछ खुद का कुछ याद है तेरे को कल का? घंटा नहीं याद है? ये तक तो याद नहीं था कि कैमरा कहाँ रख के गया था तू, हमारे ही सामने रखा था. बोले कि इन्होंने रखा है तो मतलब नहीं याद ना तेरे को. चलो बाय व्लॉग्स. बाय व्लॉग्स. बाय कृतिका. मेरे निकेट नेल्स देखो, क्या बात है, मस्त है ना? क्या बात, क्रोम पिंक. एक दूसरे में मारना नेल्स. ओ भाई आवाज तो खतरनाक आ रही है. चलिए मिलते हैं आपको स्ट्रीम पे ऑन द अदर साइड. BGMI कमिंग वेरी सून गाइस. आप लोग क्या मुझे और कृतिका को दोबारा से स्ट्रीम पे खेलते देखना चाहते हैं? गुस्सा करोगे तो मैं खुद नहीं करूंगा यार, वो तो मेरे अंदर का गेमर ही यार. चुप कर. हेल्थी एक जगह जो है इंस्टाग्राम में रील थी कि एक जगह आग लग रही होती है, मी रेजिंग करके लिखा हुआ था जिस बंदे ने बनाई थी. आग लग रही है हर जगह, आग लग रही है. और फिर उसके बाद बॉट शीट डज आता है अगले पार्ट में, उसमें वो मिट्टी का तेल डाल रही होती है, उस आग में केरोसिन डाल रही होती है, पेट्रोल डाल रही होती है. ये हरकत ही ऐसी करती है गेम में, बेट करती है. शट अप, तुम तो बैठा हो कोने में. बाय बाय कृतिका, बहुत थक गई हूं. बाय. तेरी मां की. अरे यार तू पागल वागल है यार, मैं चिढ़ जाऊंगा. हट जा यार पागल, हट जा यार पागल है यार. तो तेरी मां हमें ये कर खाने पे ऐसे लड़ाई कर रहे हैं साले. निकाल सही को जाता कभी कभी. जंजूरी हुआ ना, जंजूरी अभी भी तेरे साथ है. जल्दी जल्दी उम्र में जल्दी ऐसे लोग आसपास रहते हैं ना तो दिमाग खराब. सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं, रेगा को टाइम मिल गया, इतनी देर से वेट कर रहा था मैं उसका. अब यार अपने ब्लॉग में ही इज्जत कर लो बेचारी ऑडियंस की. हाँ तो आप लोगों को जो बेस नहीं पता है तो ये था कि रेगा जो है लल लिया था मुझसे, तो उसकी वजह से गोल्डी भाई का ब्लॉग जो क्या बोल रहा हूँ. अरे मैं बताता हूँ यार, तुमने मेरे पे बताया मैं तुम्हारे बताऊंगा. तो क्या हुआ था, गोल्डी भाई का लास्ट ईयर बर्थडे था, हर साल आएगा है ना, तो लास्ट ईयर भी आया था. तो गोल्डी भाई ने हमसे एक गिफ्ट मांगा था प्यारा सा, कहता था तुम्हें देना ही तो आईफोन दे दो, जो उस टाइम पे 14 प्रो मैक्स नया आया था. तो उस टाइम जब हम लेने गए उससे, तो तीन बंदे थे उस प्लान में, मैं रेबल मांबा. उस टाइम लड़ाई हो गई रेबल और मांबा की, तो नहीं गिफ्ट दे पाए. ये मेरे से लल लिया था. हाँ हम दोनों लल लिए थे आपस में. ये मेरे से लल लिया था. हम दोनों आपस में लल लिए थे. ये मेरे से लल लिया था. मैं किसी की वजह से लल लिए थे. गोल्डी भाई की वजह से लल लिए थे हम दोनों. गोल्डी भाई देख लो, तो हम तीनों की अंधबंद हो गई थी आपस में, तो गिफ्ट पहन नहीं रह गया. अनबन. हाँ अनबन. देयर इज नो ड. अरे भाई एसी चला दे यार, हवा गर्मी लग रही है. हाँ बता.
तीन चार महीने पहले याद आया था गोल्डी, मैंने फिर कहा था कि रहेगा तू गिफ्ट रह गया अभी तक, तो उस टाइम भी फिर हम वापस अनबन हो गए हमारे बीच में, अनबन हो गए तो गिफ्ट रह गया अनबन। तो ये फोन मेरे हिसाब से लड़ाई का हमारा वो है, तो आज इस फोन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं पलपल लेने, iPhone 14 Pro Max 256 GB, yes. पल पल तो ये हमारे पास कैश है और इस जी मेरे का कैश है, गोल्डी भाई की ऐश है जी। वैसे तो हमने सोचा गोल्डी भाई को ये दे देंगे, कह देंगे चला लिया आपका iPhone, गोल्डी भाई की गंदी गाल देते हैं इतना तो, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वैसे फिर हम लोगों ने जाके पता किया कि भाई कहाँ कहाँ फोन मिल सकता है, और आई होप इनको मस्त सा सरप्राइज और हमें मस्त सा रिएक्शन मिले, आई होप सो। और क्या भाई, कब बर्थडे था उनको आज तक नहीं, मतलब उनको तो उम्मीद ही चली गई है, वो तो बेचारे 15 की रात देख रहे हैं सितंबर में। हाँ तो बस अभी चलते हैं एंड चल के जाके फोन लेकर आते हैं एंड अपने भाई को मस्त सा सरप्राइज देते हैं, आई होप मस्त सा रिएक्शन निकले यार। गाइस मैंने आज जो है डिसाइड कर लिया है ये चीज कि अब से मैं हम्बल मांबा, संस्कारी मांबा बन चुका हूँ, और मैंने उमंग को ये फ्री हैंड दिया हुआ है कि अगर मैंने झटके देगा मत करेगा गाली देगा, तो अगर मैंने उमंग को ये बात बोली है कि अगर मैंने एक गाली दी तो मुझे को पलट के तीन देगा, अगर मैंने दो दी तो मुझे छह देगा, इंटू थ्री, तो ठीक है ठीक है। हाँ तो ये मेरा वो अब्यूज रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये, ठीक है बस आज से संस्कारी मांबा, हम्बल मांबा, ऑन स्ट्रीम, इन व्लॉग्स, एवरीवेयर, इटर्निटी टिल डेथ डू अस पार्ट। पर्पल चाहिए था ना हमने को, यस पर्पल 256 14 प्रो मैक्स, यस सर पड़ावट कर रहे हैं, हम बिल्कुल बढ़िया। इतनी बार कौन सी बार आए हम लोग यहाँ पे, मेरा बार चार बार आ चुके हैं, बहुत बार भाई ने बहुत जबरदस्त डील दी है हमको, जबरदस्त प्राइस में। हाँ कौन सी जगह है ये, शिव इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर 7, सेक्टर 7 शिव इलेक्ट्रॉनिक्स, मांबा का कोड मारना 20% ऑफ है ना, तो दुकान बंद करवा देना, तुम्हारा नाम से आएगा तो ही देगा। तो अभी घी फास्ट हो रहा है कहीं से, उसके बाद जो हम लोग कुछ खिला पिला देंगे, चक्कर लग जाएंगे, चक्कर उक्कर आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा ना, तो हम वेट करते हैं बाहर, ठीक है ना। ओके आप ये जब तक गिन लीजिए पूरा, हम लोग अभी मशीन में काउंट कर रहे हैं। हाँ मैंने सुना मशीन 5000 की आती है बस, 5000 की मशीन है ना, और एक मंगवा लेते हैं काम आएगी, थक का हाथ ही काफी है, थक तो ऐसे पकड़ के बोल देता है, यहाँ बराबर है, इसको बच्चे की तरह ले जा रहे हैं इस खाने पिलाने के लिए, काम उंगली पकड़ के चल, उसके बिना तो जाएगा नहीं, जलेबी से पेट भरेगा, चल। पानी पूरी का डिसाइड हुआ है गाइस कि मैं और उमंग और रेगा चार चार पानी पूरी खाएंगे, दो प्लेट 12 पीस, तीनों लोग मिल बांट के खा लेंगे, ये दो समोसा एक्स्ट्रा खाएगा क्योंकि इसको एक्स्ट्रा भूख लगी थी, और मत दिखाना ये चीज़ मेरा है। हाँ हाँ ये जिम गया गोलगप्पे, क्या लगता है गुल्ली भाई, मजा आएगा उनको इस गिफ्ट में, आया ना मतलब 50% तो आएगा ही, एक कवर हमारी तरफ से, स्क्रैच गार्ड भी, स्क्रैच गार्ड भी दे दे एक जन, एयरपॉड्स भी, बहुत बहुत एक कैरेबैग दे दे, हां और पावर ब्रेक, क्या चाहता है भाई, पावर ब्रेक भी दे देंगे ना, जिम में पैसा नहीं हो तो नाइस डूइंग बिजनेस विद यू सर, सुनो मांबा के नाम से आएंगे क्या डिस्काउंट दोगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे ना, डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है गाइस घर चलते हैं, लेट्स सी, आई होप गोल्डी भाई को पसंद आ जाए, आएगा मांबा, लेट्स गो, बस हो जा रहे हो, बस ऐसे ही घूम फिर के आ रही, क्या तू छुपाता क्या है, मैं कौन सी तेरे को कर रहा हूं, तू मुझे पता नहीं है ऐसे ही आता है तू, तेरा क्या पता क्या कर रहा है तू, तो सुन मैं उनको सरप्राइज दे रहा हूं, हम दोनों मैं और रहेगा, तू रिकॉर्ड कर लिया यार, तो अगले बर्थडे पे क्या चाहिए वो पूछना है,
अगले पे क्या चाहिए? नहीं लड़ाई पास भी तुम्हें बता दूंगा मामा, तुम तो हर बार मुझे दे ही देते हो। अच्छा मेरे पे शक कर दे। हां ये नहीं देता, ये खर्चा नहीं करता, तो कहाँ से पहुँच जाते हैं हम लोग? कोविड दिया था, याद आ गया था मुझे, मैं और रहेगा आपके लिए ये लाए। क्या है? एक किलो काजू कतली है। क्या बात है, मेरे को भी लाओ। छोटा लग रहा है प्यार। ऊपर से खुलता बंसाली सील है तो क्या आप थोड़ी पैक करके दे देंगे हम? पल पल लाए, खाओ मां कसम, खाया मां कसम, बिल बिल सब है। किसका है ये? हम दोनों मिलके दिया है। किसको दिया है? आपको दिया है। चूतिया बना रहे बेकार में। अरे मां कसम, ओह माय गॉड, हम दोनों ने मिलके आधा आधा खरीदे हो आपके लिए, हमारे पास तो 14 है। पहले तो तुम्हारे वो वापसी करो, पहले सच में वापस ले, वापस लो पहले जो आपने वो करा। बस थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ा। ये बताओ डीप पर्पल, डीप पर्पल है 256 में होगा, बीजीएमआई का नंगा नाम। फिल्म का टाइटल चेंज करो, मामा एंड रेगल्टोस डिड एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज अनबॉक्सिंग। याद रहेगी इंग्लिश? पहली बार ऐसे ड्यूअल में थक को छोड़ के लव यू यार। मामा ने पहले भी दिया, किसी बंदे ने मेरे को महंगा गिफ्ट दिया। क्या बात कर रहे हैं यार, मर्सी क्या कर रहा है पैसा? थक तो मतलब मुझे लगता है कि मर्सी जमीनें खरीद रहा है। पकड़े गए हमारी बहू रानी को गिफ्ट दिया, उतना इक्वली गिफ्ट मुझे भी लाके देता रहता। कल ऋषि भाई ने और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया ये। क्या बात है। बट था इतना बड़ा थैला भर के मेकअप लाया तुम्हारी भाभी के लिए, क्योंकि तुम्हारी मेकअप नहीं वो स्किन केयर, ये तो वो लग रहा है स्किन केयर तेल जापानीज व्हिस्की। जापानीज व्हिस्की भाई ऋषि भाई लेके आया। क्या बात है गुल्ली भाई, आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी यार। चले अपना मिशन पूरा हो गया रहेगा। फेस बम दे, फेस बम दे, ये फेस दे दूंगा वरना। हाँ सोना क्या था, मैं भूल गया। मामा एंड रेगा डिड अनएक्सपेक्टेड अल्बम लिख दिए थे। मामा एंड रेगा गेव अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। बस तो मैं भी भाई, मैंने उधर गोल्डवे ने डिड बोला है यार, मैं सोच रहा गेव होता है यार। हां रेगा गेव मी क्या था, क्यूट था यार। कितने साल का है बाबू? 19 भाई, तभी अभी तक क्यूट है यार। 19 अभी 20 हो जाऊंगा यार एक महीने। अरे यार मत हो, तू उम्र रोक दे यार, तू 20 टीनेजर ही अच्छा है मेरे लिए। 19 ही बोल सकता हूं ना मैं, तू मेरे लिए 19 ही रहेगा, क्योंकि तू एक प्लस होगा मैं भी एक प्लस हूंगा। तो तू 19 ही मेरे लिए। ठीक है ठीक है। मैंने एक रील शूट करी है मैं और आदि मिलके, उसको इंस्टाग्राम का नया ट्रेंड बनाने की प्लानिंग है। तेरे को लगता है ये हो सकता है? कुछ भी वायरल हो सकता है, अगर बैट का ग्रिप वायरल हो सकता है तो हम तो फिर भी चल दो पैर पे चलने वाले लोग हैं। देखो देखो अभी शूट है ना कल हमारा स्टूडियो का। यार यार सुनो इधर, तो मैंने जोकर भाई को वॉइस नोट भेजा था, ठीक है? ये देखो, बोला था कि ये शूट कर सकते हैं, ये देखो। अरे मेरा जोर से बजाओगे उनके घर पे, तू क्या पागल है ये गड्डू। शाज़ाम पे म्यूजिक रिकॉग्नाइज करवा रहा है गाइस। डन 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 डन। अरे वो पॉपुलर है, तुमने सुना होगा। मजेदार है, अच्छी है। मुंबई में कौन जानता था अभी कैसे है? लोग जानते हैं। लोग आपको रास्ते में पूछ बोलते हैं मनोज भाई, आप तो मनोज भाई
आप तो उनसे डेली मिलते हो, हम लोग उनसे कभी कभी मिलने दो बाहर बोलते हैं इनका भी तो काम है, बिजी है, जब खाली होंगे तो जरूर मिलेंगे, कभी मीटिंग में है तो कभी गेम खेल रहे हैं और तो फिर काम ही नहीं है बड़ा ये कैसे सता रहा है देख रहा अच्छा लगा होगा, माँ कसम बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा हालत खराब थी, बहुत ज्यादा नर्वस था कि मतलब थॉटफुल था ना, मतलब थोड़ा सा सोचा था कि यार गोल्डी भाई को देते हैं एंड एवरीथिंग गिफ्ट वगैरह तो वो उतना एक्साइटेड होंगे, हमारे एक्साइटमेंट लेवल उनके साथ मैच करेगी या नहीं करेगी और ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा नर्वसनेस था लेकिन मतलब टच वुड उनको अच्छा लगा एंड मेरा और रेगा का पूरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, स्ट्रीम पे भी उनको मतलब समझ रहे हो ना, आप लोगों ने उनका स्ट्रीम देखा होगा समझ गए होंगे कि मतलब अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ और चीज़ें भी हैं दिमाग में जो सोचा है कि जो प्लान करा है मैंने कि वो करेंगे आगे के व्लॉग में, और इसी तरीके से इस गेमिंग हाउस का और इस घर का फन एंड एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से प्यार देना है इस व्लॉग पर, लाइक करना है, कमेंट करना है, जब एक्टिविटी होती है तो चैनल की रीच बढ़ती है, अभी हम लोग दो व्लॉग पहले ट्रेंडिंग में गए थे, आई होप अभी भी जाते रहे हम लोग ट्रेंडिंग पे। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना, यहाँ पे सिर्फ मस्ती होती है, सिर्फ मज़े होते हैं और कुछ नहीं होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में गाइस, अंटिल देन लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ख्याल रखना अपना, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय गाइस।